नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट पे। 10 kV इन्वर्टर के वर्किंग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क करता है। आप अपने स्क्रीन पे एक 10 kV का इन्वर्टर देख रहे हो, जो कि इसमें दो इन्वर्टर आपके स्क्रीन पे है, ए इन्वर्टर 2 है और ए इन्वर्टर 1 है। दोनों वर्किंग में हैं, दोनों वर्क कर रहे हैं। आप इनके डिजिटल मीटर पर देख रहे होंगे कि जो इनका पल्सेटिंग वोल्टेज है वो घट बढ़ रहा है, 220 से 219 या 19 से 20 ऐसा होता जा रहा है। तो आप अपने स्क्रीन पर फ्रंट पे देख रहे हो इसका जो सीरियल नंबर है, रेटिंग है, सेलिएंट है और कंपनी का जो भी जानकारी है सब कुछ इसमें दिया गया है। और ये आपका जो टोटल ये क्या है इन्वर्टर सर्किट पूरा इसमें टोटल फिट है और ये इस बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसका मैं टोटल आपको एरिया दिखाता हूँ, इतना बड़ा है इन्वर्टर और इसमें कुछ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो जो कि कंपनी के द्वारा ही प्रोवाइड की गई है। और इसी जानकारी के बगल में इसका जो अंदर से एग्जॉस्ट फैन है जो कि अंदर की गर्म हवा को निकालती है, और ये है आपका आउटपुट जहाँ से हम लेते हैं किसी भी लोड को देने के लिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों इन्वर्टर के बैटरी कैसे हैं। ये देखिए इन्वर्टर के साथ एक इन्वर्टर का जो आप एक सर्किट देख रहे हो पूरा ए इन्वर्टर 1 के साथ और पीछे वाला इन्वर्टर 2 के साथ जुड़ा हुआ है। इन बैटरियों को पैरेलल सीरीज दोनों में जोड़ के एक साथ इन्वर्टर को दिया जाता है। आप देख रहे हो दोनों बिल्डिंग की तरह दिख रही हैं, तो एक बिल्डिंग जो है इन्वर्टर 1 के लिए और एक बिल्डिंग इन्वर्टर 2 के लिए। इसका एक टाइमिंग होता है एक साल के लिए, एक साल या 6 महीने पर इन बैटरियों को वापस रिन्यू करना पड़ता है या नया लगाना पड़ता है या फिर इसको चेकअप करके हमें लगाना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि मंथली चेकअप के दौरान जो टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन होता है इस बैटरी के वोल्टेज को नापता है, जो 12 वोल्ट मिनिमम 12 वोल्ट होना चाहिए। ये देख रहे हो आप सीरीज और पैरेलल में इसको जोड़ा जाता है। सीरीज में जोड़ने से क्या होता है कि हमें वोल्टेज बढ़ के मिल जाता है। जैसे दो बैटरियों को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो 12 12 24 हो जाएगा, और अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो इनका करंट हमें बढ़ के मिलेगा। यानी अगर 80 एम्पियर की एक बैटरी है तो यानी 80 AH की एक बैटरी है तो दो बैटरियों का जुड़ जाएगा 160 AH पैरेलल में। अब देखिए मैंने इसका ऊपर का ओपन कर दिया है, तो आप इसको इन्वर्टर 2 का ही आप देख रहे हो। ऊपर का एक कंट्रोलर सर्किट है, उसके सेकंड पार्ट में ट्रांसफार्मर है और उसके बाद UPS का सर्किट है। मींस इन्वर्टर करता क्या है कि ये बैटरी को चार्ज भी करता है, यानी AC को DC में कन्वर्ट करता है और बैटरी को देता है, और उसके बाद DC यानी बैटरी से DC लेके AC में कन्वर्ट करके हमें लोड के पास देता है। आप इसमें कई सारे कटआउट देख रहे हो, कैपेसिटर देख रहे हो, कैपेसिटर इसमें पावर फैक्टर इसमें भी मेंटेन करने वाली बात होती है इसलिए लगा हुआ है। 10 kVA का है इसलिए एक बड़ा ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ है। और कंट्रोलर सर्किट तो आप देख रहे हो कि इसमें करीब 6-7 ऐसे सर्किट हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। और इस इन्वर्टर में 10 kVA के इन्वर्टर में क्या होता है कि फ्लोर पे, मैं बता दूं आपको, मैंने फ्लोर को खुद से देखा, फ्लोर में काफ़ी सारे ट्यूबलाइट लगे हुए हैं LED टाइप। और जो यहाँ का अगर ये रिटेल मार्केटिंग है तो यहाँ पर कई सारे पैसे के काम जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं, तो बिजली अचानक कटे जिसके वजह से ये UPS पे होता है यानी इन्वर्टर की बैटरी पे होता है, यानी वो भी डायरेक्टली लाइन कटने पे उनका पावर सप्लाई कटे नहीं, इन्वर्टर से जुड़े होते हैं। आप जो वायर देख रहे हो अपने स्क्रीन पे इसको वापस कंट्रोलर मतलब जो कंट्रोलर सर्किट है उसको कनेक्ट किया जा रहा है। एक आप जो सर्किट इन्हीं सर्किटों में जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसमें ही कुछ सर्किट ऐसे हैं जो कि लोड को लोड के साथ इन्वर्टर के जुड़े रहने के टाइम जो उसका कितना मतलब लोड है, कितने लोड पे ट्रिप होना है, इन चीज़ों का कंट्रोल इन्हीं सर्किटों से होता है। और इसका आपने देख रहे हो कि इसको कनेक्ट किया जा रहा है। इन सर्किटों पे कई सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उनको भी आने वाले डेज में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या वर्क होता है और इन ये सर्किट आपको नॉर्मली मार्केट में कितने कैसे मिलते हैं। कैपेसिटर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो आपका सिरेमिक टाइप है, 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं मेन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और बगल में भी होंगे तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इस टाइम वर्किंग में है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और स्क्रीन पर जो भी आप देख रहे हो आने वाले सीजन में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।